सो गाइज लेट अस सॉल्व वन बाय वन, टेक सम एग्जांपल्स एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड. आप देख सकते हो वन बाय रूट थ्री है. तो ये फर्स्ट टाइप में, फर्स्ट टाइप में मैंने क्या बताया था, अगर अंडर रूट समथिंग हो तो उसको डायरेक्टली क्या करना है, सेम थिंग से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यू कैन सी वी विल गेट रूट थ्री, वन इंटू रूट थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री. रूट ए इंटू रूट ए क्या मिलता है, ए मिलता है. तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा. दैट विल बी द आंसर. अब देखो डिनोमिनेटर में रूट थ्री था, अब यहां डिनोमिनेटर के सॉल्यूशन के डिनोमिनेटर में क्या है, थ्री है. रूट हमने रिमूव कर दिया, मतलब रेशनलाइजेशन का जो एम है, एम्बिशन है, वो हमने कंप्लीट कर दिया. दैट विल बी द आंसर. ठीक है, यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर टू. ओके, व्हाट वी हैव, रूट टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री. ओके, ये कौन सा टाइप में, सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल. ठीक है, सेम हो जाएगा अंडर रूट फाइव माइ, यहां पे देखो अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट फाइव अंडर रूट थ्री, सेम हमने यूज किया. बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहां माइनस यहां प्लस होगा, तभी हम इस फॉर्मूले में ब्रेक कर पाएंगे इसलिए. ठीक है, तो सेम आप चेंज कर दो. क्लियर, नाउ यू कैन सॉल्व. ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू से रूट फाइव प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट टू से दोनों मल्टीप्लाई होगा, अब थ्री से मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस थ्री इंटू रूट फाइव प्लस रूट थ्री. ऊपर क्या हो रहा है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, सॉल्यूशन सॉल्व होते चला जाएगा. डिनोमिनेटर को देखना है. ठीक है, रूट फाइव होल स्क्वायर, ओके, माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर. व्हाट वी विल गेट, व्हाट विल बी द आंसर. सी, रूट फाइव इंटू रूट टू दैट विल बी रूट टेन, प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स, प्लस थ्री रूट फाइव प्लस थ्री रूट थ्री. ठीक है, सारा का सारा टर्म्स ऊपर में अलग है, एक रूट टेन है, रूट सिक्स है, रूट फाइव है, रूट थ्री. कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिंपलीफाई नहीं हो सकता, हम लोग न्यूमरेटर को वैसा ही छोड़ देंगे. बट यू कैन सी द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, फाइव माइनस थ्री. ओके, सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, यहां ऊपर में कुछ कॉमन भी नहीं आ रहे, तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, अंडर रूट टेन प्लस रूट सिक्स प्लस थ्री रूट फाइव प्लस थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू. ओके, सो हियर वी हैव जस्ट गॉट द आंसर दैट डिनोमिनेटर हैव, डिनोमिनेटर डजंट हैव ओके रूट अंडर इट. ओके, सो रेशनलाइजेशन का जो फाइनल टर्म है वो आपके यहां पे क्लियर है, जो एम्बिशन है वो क्लियर है. नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर थ्री एज अर्ली. ओके, दैट अंडर रूट फाइव माइनस टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेवन प्लस रूट फाइव. अब इस बार क्या है, पहले माइनस था, अब इस बार क्या है हमारा प्लस है, तो सेम मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होना है हमारा, अंडर रूट सेवन, इस बार प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेवन माइनस रूट फाइव. जस्ट सिंप्लीफाई. ओके, फाइव माइनस टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव से. और डिनोमिनेटर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपली मीन्स रूट सेवन होल स्क्वायर माइनस रूट फाइव होल स्क्वायर. सो व्हाट वी विल गेट, सेवन थ्री इज़ 21, ओके, माइनस फाइव थ्री इज़ 15, दैट विल बी द न्यूमरेटर. ओके, एंड नाउ इन डिनोमिनेटर व्हाट वी विल गेट, सेवन माइनस फाइव, सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई. Now you can just compare that the ambition of the rationalization has been completed. Okay, what we have, the 2 that is not under root. Okay, the root has been removed. Now we can proceed for the last question, that is question number 4. Okay, और इस तरह के question hot question में आते हैं. कभी कभी क्या है बच्चों, हम लोग अभी इसको solve करेंगे. कभी कभी क्या है बच्चों, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना उसमें प्लस माइनस आ जाता है. जैसे अगर यही क्वेश्चन इसमें आ जाता है अंडर रूट थ्री प्लस टू डिवाइडेड बाय रूट फोर या फिर रूट फाइव माइनस रूट थ्री, इस तरह का क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको क्या कर रहे हैं ना, इसको अलग सॉल्व कर लो, रेशनलाइज कर लो, फिर इसको अलग रेशनलाइज कर लो, फाइनली दोनों को कंबाइन कर दो, एड कर दो. ठीक है, यही सब्ट्रैक्ट होता तो दोनों को अलग अलग टर्म्स में हम लोग रेशनलाइज कर लेते और जो भी रिजल्ट होता उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते. तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही इजी होता है,
अगर आप इन मेन टर्म्स को समझ गए, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, देन यू कैन इजिली प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज वट एवर इट इज गिवन इन एनसीईआरटी. यू विल फाइंड नॉट मोर देन फोर और सिक्स क्वेश्चन इट इज गिवन इन द एक्सरसाइज. लेकिन अगर आप साइड बुक सॉल्व कर रहे हो, खास करके आर डी शर्मा वगैरह सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपको पूरा एक चैप्टर है इसमें. ठीक है, सो गो थ्रू इट एंड ट्राई टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर. ओके, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम हियर, सी क्वेश्चन नंबर फोर. फोर क्या बोल रहा है? फाइव प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट टू. ठीक है, मैंने पहले ही बताया था डबल रेशनलाइजेशन होता है ऐसे क्वेश्चन में. लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग ऑन. सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो यहां पे सिंपली डायरेक्ट सिक्स में. यहां पे कुछ बच्चे गलतियां करते हैं. ठीक है, वो मिस्टेक्स क्या है आप यहां ध्यान से देखना. यहां बच्चे ये समझते कि सर आपने तो बीच का जो साइन है वो चेंज करने बोला था, जैसे माइनस है तो क्या हम यहां प्लस कर दे. नहीं बच्चे, मैंने चेंज तब करने बोला था जब टर्म्स अलग हो पूरी तरह से. ठीक है, बीच में साइन हो, क्लियर हो रही बात है. लेकिन यहां टर्म्स अलग नहीं है. आप देखो एक ही अंडर रूट, एक ही अम्ब्रेला के नीचे दोनों. ठीक है, एक अम्ब्रेला के नीचे होंगे तो सेम अम्ब्रेला से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. क्लियर है, सेम अंडर रूट में हो तो सेम से मल्टीप्लाई करना. तो आप यहां पे पहले मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर में. क्या होगा हमारा? फाइव प्लस रूट टू इज मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट सिक्स माइनस रूट टू. न्यूमरेटर लीव इट लाइक दैट, नो प्रॉब्लम. हम लोगों को रेशनलाइज करना है, मींस टारगेट इज डिनोमिनेटर, सो जस्ट मल्टीप्लाई रूट ए. देखो ये पूरा अगर ए मान ले तो रूट ए इंटू रूट ए सेम चीज है. क्या आना है हमारा? ए. तो बस अंडर रूट हटके हमारे पास क्या बचेगा? सिक्स माइनस रूट टू. क्लियर यहां तक? क्या किसी को भी कंफ्यूजन? यू कैन जस्ट कमेंट, यू कैन आस्क. ओके, आई एम ऑलवेज जस्ट बी देयर. यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल जस्ट सॉल्व ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ यू. ओके, नाउ यू कैन सी फाइव प्लस टू रूट टू इंटू अंडर रूट सिक्स माइनस रूट टू इट इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, सिक्स माइनस रूट टू. तो ठीक है, सिक्स माइनस रूट टू आ गया. क्या हमारा रूट हटा है डिनोमिनेटर से? अभी तक नहीं हटा है. तो हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्स प्लस रूट टू से इस बार करेंगे, क्योंकि देखो साइन अलग हो जाएगा. सिक्स प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर है ये तीनों से, दोनों से मल्टीप्लाई होगा. सिंपली आप वैसा ही छोड़ दो इसको. ठीक है, सिक्स प्लस रूट टू इंटू फाइव प्लस रूट टू इंटू अंडर रूट सिक्स माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व एट द टॉप. आप ऊपर देखो, आपको सिमिलर कुछ टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए. इसको रहने दो क्योंकि ये पूरा अंडर रूट में है. तो क्या हो जाएगा? सिक्स फाइव जो थर्टी प्लस सिक्स रूट टू, फिर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव रूट टू प्लस रूट टू इंटू रूट टू टू इंटू अंडर रूट सिक्स माइनस रूट टू दैट इज डिवाइडेड बाय क्या है? थर्टी सिक्स माइनस टू. सो व्हाट वी विल गेट एट द टॉप एट द न्यूमरेटर, यू कैन सी दिस साइड. ओके, न्यूमरेटर में हमें क्या मिला? वी हैव जस्ट गॉट थर्टी प्लस टू थर्टी टू प्लस सिक्स रूट टू प्लस फाइव रूट टू दैट विल बी अलेवन रूट टू इंटू अंडर रूट सिक्स प्लस रूट टू दैट इज डिवाइडेड बाय व्हाट वी हैव गॉट एट द डिनोमिनेटर दैट इज थर्टी फोर. वी कांट टेक द कॉमन एट द टॉप, हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन जो टारगेट है रेशनलाइजेशन का वो हमारा कंप्लीट है. सो गाइस, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर. हम और भी कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करेंगे. डिस्क्रिप्शन में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप ट्राई करो, सॉल्व करो. आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम प्रीफरिंग गो थ्रू द आर डी शर्मा. देयर इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज इट इज गिवन, पूरा एक चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस है उसमें. आप पहले कोशिश करो. ओके, आफ्टर दैट इफ यू विल फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. सो टिल द टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.